क्या था ये पुलवामा? भाजपा के हारने की खबर आ रही है, लगातार वहां से घोषणा हो रही है। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता को एक भाजपा के कुछ लोगों ने मिलकर मारा, उसके ब्लड आया, उसकी पहले तो प्राथमिक उपचार होना चाहिए। तो प्रशासन ने कहा हम लोग चुनाव में हैं, यहां पर इस समय उपचार नहीं करा सकते, तो हम लोगों ने अपने लोगों को भेज करके उसका उपचार कराने के लिए भेजा है। आज उनके अंदर बौखलाहट है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे एक घटना भी सामने आई थी जिसमें किसी को चोट लगी है जी, क्या था ये पूरा मामला? हम लोग सुबह से शांतप्रिय तरीके से अपने अपने पंडालों में बैठ करके काउंटिंग को सुचारू रूप से, अंदर एजेंट हैं वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, अंदर पूरी काउंटिंग चल रही है। यहाँ पर जब भाजपा के हारने की खबर आ रही है, लगातार वहां से घोषणा हो रही है, ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता को एक भाजपा के कुछ लोगों ने मिलकर मारा, उसके ब्लड आया और उसके सर में चोट लगी है, तमाम प्रकार की इससे चोट लगी है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा उसकी पहले तो प्राथमिक उपचार होना चाहिए, तो प्रशासन ने कहा हम लोग चुनाव में हैं, यहाँ पर इस समय उपचार नहीं करा सकते, तो हम लोगों ने अपने लोगों को भेज करके उसका उपचार कराने के लिए भेजा है। आज उनके अंदर बौखलाहट है, वो जान रहे हैं कि आज भाजपा की सरकार जा रही है, उत्तर प्रदेश में भारी मतों से हार रहे हैं, सभी सीटें हार रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बवाल कर करके यहाँ पर बवाल पैदा करना, ये बवाल कर रहे हैं, तो बवाल कर करके यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ डटे हैं और निश्चित ही आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जीतेगा और भाजपा हारेगी। अभी बता रहे थे कि वहाँ जो गेट है रामाबाई स्थल जाने के लिए, वहाँ पे आप कुछ जो जिनके साथ मारपीट हुई है लोग कुछ खुशियाँ मना रहे थे, उसी में कुछ बातचीत हुई है जी? खुशियाँ तो हैं ही, खुशियाँ अपने पंडाल में बैठ करके मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी सीमाएं हैं, सीमाओं के बाहर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता हमारे कैंप में घुस करके मारपीट करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन का क्या रुख रहा है? प्रशासन उनकी दवा इलाज कराने चाहिए और उसके बाद उन लोगों को जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनको हटा रहे हैं, उनको भगा दे रहे हैं और उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मतगणना स्थल के पास अभी एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिस पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा है उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव के साथ मैं वीरेन्द्र पांडे।